मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ता जा रहा है। 57 दिन बाद फिर बुधवार को कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें 53% मामले इंदौर और भोपाल के हैं। 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इससे पहले 10 जनवरी 2021 को प्रदेश में 620 नए मामले सामने आए थे। वहीं बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो भी संक्रमित हो गईं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साधो मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित थी। उन्होंने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील की है। इंदौर की एक युवती से हैदराबाद के युवक ने दुबई में शादी की। शादी से पहले उसने युवती से वादा किया कि धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, लेकिन बाद में उसे धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित करने लगा। युवती अपनी बेटी के साथ इंदौर लौट आई। पति ने यहां भी परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने पति के खिलाफ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने के केस में दर्ज किया। युवती ने बताया कि वह 6 साल पहले दुबई की एक कंपनी में नौकरी करती थी। यहां सलीम समदानी भी नौकरी करता था। सलीम ने उसे झांसे में लिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मगर तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। तुम साथ में लेकर देवी देवताओं की पूजा भी कर सकती हो। सलीम के इस बहकावे में आकर मैंने उससे शादी कर ली। कुछ समय बाद सलीम ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैदानी अफसरों से कहा कि आपस में सुशासन खेलें, प्रतिस्पर्धा होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा। उन्होंने कलेक्टर पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे से बात करेंगे। इस दौरान योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं को छोड़कर लोगों की समस्याओं का एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता का फीडबैक लिया जाएगा, जिसके आधार पर बात होगी। मुख्यमंत्री ने यह बात कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू होने पर अफसरों से कही। उन्होंने कहा कि इंदौर में भू माफिया के खिलाफ बेहतर काम किया जाएगा। इस अभियान में इंदौर रोल मॉडल है। यह कैसे संभव हुआ, इसका प्रेजेंटेशन इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह देंगे, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर में भू माफिया भाग रहे हैं और लोगों को ज़मीनें वापस मिल रही है। किसी अभियान का सार्थक होने का यही उदाहरण है। नरसिंहपुर के चावरपाठा जनपद पंचायत के CEO रविंद्र गुप्ता को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया। नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत में बुधवार को हुई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। CEO ने CCTV के बिल भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगी थी। फरियादी दीपक कौरव ग्राम खैरी ने बरमान मेले में लगे CCTV कैमरे के बिल भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने की लोकायुक्त को शिकायत की थी। इसके बाद लोकायुक्त DSP दिलीप जरबदाई, निरीक्षक स्वप्निल दास, आरक्षक विजय बिस्ट, अमित मंडल समेत 12 लोगों की टीम ने CEO को 10,000 रुपये लेते हुए कार्यालय में पकड़ लिया। बताया जाता है कि 25,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 10,000 रुपये फरियादी पहले दे चुका था। CEO के घर भी लोकायुक्त ने जांच की। मुरैना में SP बंगले के पास ATM कैश वैन को लूटने का प्रयास करने वालों को 16 घंटे में ही पुलिस ने सबक सिखा दिया। अम्बाह के बरेह व अयोध्यापुरी मोड़ पर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी पोजीशन लेकर गोलियां चलाई। इसमें एक गोली इंटरस्टेट लुटेरे रामप्रीत गुर्जर के पैर में लगी और वह वहीं घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसके साथ ही फरार हो गए। पुलिस ने रामप्रीत को तत्काल गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
मौके पर उसकी पिस्तौल व बाइक भी गिर पड़ी थी। इंदौर के अशोका गार्डन इलाके में एक मैरिज ब्यूरो पर मैचिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। पीड़ित मनोज श्रीवास्तव का आरोप है कि उससे 11,000 रुपए लेकर मैरिज ब्यूरो ने फोटो किसी लड़की का दिखाया और किसी दूसरी लड़की से मिला दिया। खास बात तो यह है कि पीड़ित ने लड़की पसंद नहीं आने पर दूसरा रिश्ता तय कराने को बोला, तो मैरिज ब्यूरो ने वकील के माध्यम से महिला को परेशान करने का नोटिस भिजवा दिया। इसके बाद पीड़ित ने भी अशोका गार्डन पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मांडू के घने जंगलों पर परमार कालीन समय से ढोल और मांदल बनाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इस हस्तकला को पिछली 5 पीढ़ियों से ज़्यादा समय से यहाँ के उमराव सिंह सहेजे हुए हैं। आज भी उनके पास प्रदेश और पूरी जगह के आदिवासी समुदाय के लोग मांदल और ढोल बनवाने आते हैं। जितनी सुरीली और ख़ास मांदल और ढोल की थाप है, उतनी ही खास इसे बनाने की प्रक्रिया भी है। फागुन में इसकी गूंज आदिवासी इलाकों में सुनाई देगी। बसंत की बहार के साथ ही फागुन में मांदल की सुरीली आवाज़ पलाश और खाखरे की महक पहाड़ियों के बीच आने लगती है। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस काम को मांडू के जंगल क्षेत्र से सटे अवार निवासी उमराव सिंह पिछले 50 वर्षों से कर रहे हैं। यह मालवा निमाड़ के साथ सतपुड़ा के कई जिलों के लोगों के लिए मांदल तैयार करते हैं। एमडी ड्रग्स रैकेट में पकड़ा है पुलिस के इवेंट मैनेजर सम्राट उर्फ सार्थक याग्निक को ड्रग्स उपलब्ध करवाने वाले उसके ड्राइवर राज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विजयनगर पुलिस इंदौर ले आई है। सम्राट के कॉल डिटेल्स के आधार पर व अन्य सूत्रों से मुंबई का रहने वाला राज नाम का युवक आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई में लगभग 15 सालों से टैक्सी चलाता है। सम्राट से राज की मुलाकात एयरपोर्ट से लाने से ले जाने के दौरान हुई, जहां कुछ मुलाकातों के बाद राज ने मुंबई में ड्रग्स डीलर चीना नाम के नाइजीरियन से सम्राट को मिलवाया। इसके बाद यह ड्रग्स का पूरा खेल शुरू हुआ। राज मल्लाड़ ईस्ट की एक झोपड़ी में रहता है, जिसका किराया 7,000 रुपये है। कमलनाथ सरकार गिरने के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। इस दौरान प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा, 20 मार्च को धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया जाएगा। वजह यह है कि मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने संविधान की मूल भावना को तार तार कर लोकतंत्र को खतरे में डाला। उन्होंने बताया कि 20 मार्च को कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। इस दौरान लोगों को बताएगी कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में कौन कौन से जनहितैषी फैसले लिए थे। कांग्रेस इस दिन कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और भू माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के बारे में बताएगी। साथ ही गौशाला निर्माण, सस्ती बिजली, ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी, राम वन गमन पथ और महाकाल व ओमकारेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार और विकास जैसे फैसले कमलनाथ सरकार ने लिए थे। उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 मार्च काले दिवस के नाम से जाना जाएगा, लेकिन काला दिवस वे मनाएं जो काले काम करते हैं। हम इस दिन को संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेकर जनता के बीच जाएंगे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बुधवार को इंदौर में कोरोना का टीका लगवाया। टीका उन्हें MY अस्पताल में लगाया गया। मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना टीका से घबराए नहीं। उन्होंने हर वरिष्ठ नागरिक को टीका जरूर लगवाने की अपील की है। तुलसी सिलावट ने राहुल गांधी ने के दिए हुए बयान पर भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, उस समय राहुल गांधी को सिंधिया जी की याद नहीं आई, अब क्यों आ रही है, उस समय उनका सम्मान करना था। उल्लेखनीय है कि 8 मार्च को राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सिंधिया पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिंधिया जो कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे, अब वह बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हुए हैं।
इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया था। वैक्सीन लगाने के पूर्व में तुलसी सिलावट द्वारा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर बंगाली चौराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर विधायक मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जब सिंधिया की कांग्रेस में थे उस समय राहुल जी को याद नहीं आई। दक्षिण भारतीय फिल्म द मिसिंग बीन की शूटिंग के दौरान मंगलवार रात को जबलपुर में बवाल मच गया। दरअसल फिल्म एक सीन के लिए यूनिट ने ग्वारी घाट के सिद्ध घाट छोर पर ट्रैक्टर व क्रेन उतार दिया। इससे घाट की सीढ़ी और धौलपुरी पत्थरों से बना फर्श टूट गया। पहले इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, फिर मौके पर पूर्व महापौर एवं भाजपा नेता प्रभात साहू पहुंच गए। नगर निगम ने फिल्म यूनिट के खिलाफ ग्वारी घाट थाने में शिकायत भी की। बाद में यूनिट ने मरम्मत कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हैदराबाद की फिल्म निर्माता कंपनी आइडियल फिल्म मेकर द्वारा द मिसिंग बीन नाम से बनाई जा रही फिल्म की शूटिंग जबलपुर और आसपास के विभिन्न लोकेशन पर हो रही है। 2.5 घंटे की इस फिल्म के सीन को जबलपुर के 27 लोकेशंस पर फिल्माया जाना है। 1 फरवरी से 40 दिनों तक फिल्म की होने वाली इस शूटिंग में 180 लोकल कलाकारों को भी अपना अभिनय दिखाने का मौका मिला है। कचनार सिटी स्थित भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा के सामने इस फिल्म के एक गाने को भी फिल्माया जा चुका है।